यीशु का पकड़वाओ जाप। हर साल यहूदी लोग फसह का त्यौहार मनावत थे। इसके बारे में यह एक उत्सव रहा कि कई सौ साल पहले परमेश्वर ने उन्हें के पुरखन का मिस्र देश के दासत्व से छुड़ाओ थे। लगभग 3 साल के बाद यीशु ने सार्वजनिक रूप से प्रचार करब और शिक्षा देव शुरू की। यीशु ने अपने चेलन का बताइस कि वह उन्हें के साथ यरूशलेम में फसह के त्यौहार का मनाव चाहत है और यह भी कि वह वहाँ मार डारो जाए। यीशु के चेलन में एक यहूदा नाम का आदमी रहा। यहूदा के पास प्रेरितन के धन की थैली रखने के जिम्मेदारी रहा, लेकिन अधिकतर वह वही थैली माँ से कुछ धन निकाल लिया। यीशु और वही के चेले यरूशलेम माँ पहुँचने के बाद यहूदा यहूदी अगवन के नेरेगा वह धन के बदले माँ यीशु का उन्हीं के हाथ पकड़वाने का प्रस्ताव रखे। वह जानत है कि यहूदी अगुआ स्वीकार न करते कि यीशु ही मसीह आए। वह जानत है कि वही वही का मार डारो चाहते। महायाजक के कहे पर यहूदी अगवन ने यीशु का उन्हीं के हाथन में पकड़वाने के खातिर यहूदा का 30 चांदी के सिक्के दीने। यह वही तरह से भात है जैसन कि परमेश्वर का संदेश बतावे वाले ने कहोत है कि ऐसा हुई। यहूदा मानगा और धन लेके चलोगा। वह यीशु का पकड़वावे माँ उन्हीं के मदद करें के खातिर कौनो अवसर की खोज मारा है। यरूशलेम में यीशु ने अपने चेलन के साथ है फसह का त्यौहार मनाए रहोत है। फसह के भोजन के समय यीशु ने रोटी लेके टोरिस व कहिस यही का लेव और खाओ। यह मोर देह है जौन मैं तुम्हारे खातिर देत हूँ। यही का मोरी याद माँ कीने। इन तना से यीशु ने कहो कि वह उन्हीं के खातिर मर जाई, अर्थात उन्हीं के खातिर वह अपनी देह का बलिदान चढ़ाए दई। फिर यीशु ने एक दाख रस का प्याला लीने और कहे यही का पी लो। यह नई वाचा का मोर लहू आए जौन की मैं उड़ेली हूँ, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापन का क्षमा करी। हर बार यही का पियत समय मोरी याद माँ या कीन है जौन मैं अबय कर रहो हूँ। तब यीशु ने अपने चेलन से कहिस तुम माँ से एक जन मुही का पकड़वाई। चेले चौंक गए और पूछे लाग कि कौन ऐसा काम करी। यीशु ने कहो मोर पकड़वावे वाला आदमी वह है जौन का मैं यह रोटी का टुकड़ा देत हूँ। तब वह कहिस रोटी यहूदा का देव। वह रोटी का ले के बाद यहूदा माँ शैतान समाएगा। यहूदा निकर कर यीशु का पकड़वावे के खातिर यहूदी अगवन की मदद करें के खातिर चलोगा। यह रात का समय रहा। भोजन करें के बाद यीशु और वह के चेला जैतून पहाड़ में चलेगे। यीशु कहिस तुम सब आज रात मुह का छोड़ दई है। या लिखो है मैं चरवाहे का मरी हूँ और सारी गड़ तितर बितर हुई जई। पत्रस उत्तर दिन भले ही बाकी के सब तुह का छोड़ दे, मैं तुह का ना छोड़ी हूँ। तब यीशु ने पत्रस से कहे शैतान तुम सब का ले जाओ चाहत, लेकिन हे पत्रस मैं तोरे खातिर प्रार्थना कीन है कि तय विश्वास से चूक ना जा। फिर भी आज की रात मुर्गा बोलने से पहले तय मुह का 3 बार इनकार करी कि तय मुह का जानत तक नहीं आही। पतरस ने तब यीशु से कहिस भले ही मैं मर भी जाऊं मैं कबहूँ भी तोर इनकार ना करी। बाकी के सब चेलन ने भी यह कहो। तब यीशु अपने चेलन के साथ है गतसमनी नाम की जगह मांगा। यीशु ने अपने चेलन से प्रार्थना करें के खातिर कहिस ताकि शैतान उन्हीं के परीक्षा ना कर सके। तब यीशु खुद प्रार्थना करें के खातिर चलोगा। यीशु ने 3 बार प्रार्थना करी हे मोरे बाप अगर संभव हो तो कृपा करके यह दुख का प्याला पिए के खातिर मुहिका ना दे, लेकिन अगर लोगन के पाप क्षमा कीन जाए के खातिर कौनो और रास्ता ना हो तो तोरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु बहुत व्याकुल रहा और वह का पसीना खून की बूंदन की तरह रहा। वह का ताकत दें के खातिर परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत का भेजिस। हर बार प्रार्थना के बाद यीशु अपने चेलन के नेरे वापिस आओ, लेकिन वही सो गए थे। जब यीशु 3री बार लौटो तो यीशु कहे जाग जाओ मोर पकड़वावे वाला यहाँ है।
यहूदी अगुओं, सिपाहियों और एक बड़ी भीड़ के साथ है यहूदा आओ। वही तलवारें और लाठियां लहेरा हैं। यहूदा ने यीशु के नेरे आकर वैसे कही, हे गुरु नमस्कार। और वह का चुमिस वह गिरफ्तार किए जाने वाले आदमी का यहूदी अगुवन पर प्रकट करें के खातिर ऐसा कीन तय। तब यीशु कहिस, हे यहूदा, का तय एक चुम्बन से महिका पकड़वाए रहो है। जब वही सिपाही यीशु का पकड़ रहे थे तो पतरस ने अपन तलवार निकारिस और महायाजक के एक सेवक का कान काट दिनिस। यीशु कहिस, तलवार का दूर कर, मैं अपने बाप से मोर बचाव करें के खातिर स्वर्गदूतन के एक सेना के खातिर विनती कर सकत हूँ, लेकिन मुहिका मोरे बाप का बात माने का है। तब यीशु ने वह आदमी के कान का ठीक कर दिनेस। तब सारे चेले भाग गए। मत्ती अध्याय 26 14 से 56 वचन, मरकुस अध्याय 14 10 से 50 वचन, लूका अध्याय 22 1 से 53 वचन, यूहन्ना अध्याय 12 6 वचन और अध्याय 18 1 से 11 वचन से एक बाइबिल का कथा।